मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 24 टिकट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में बहुत पीछे है। अगर हम सागर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा ने लता बानखेड़े को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कुर्मी समाज से आती है और पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है। अब कांग्रेस किस पर दाव लगाएगी, उनमें सबसे पहला नाम है गुड्डू राजा बुंदेला, जो ललितपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सागर संभाग में कांग्रेस की दमदारी से राजनीति कर रहे हैं। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। लता बानखेड़े को टिकट मिलने के बाद गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट मिलने की चर्चाएं तेज हो गई। उसकी वजह साफ है कि सागर संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभाओं में ठाकुर वोटर्स की संख्या निर्णायक है। उनमें खुरे, सुरखी, सिरों, खुरबाई, बीना और शमशाबाद के साथ नरियावली विधानसभा शामिल है, जहां ठाकुर वोट का दबदबा है। ऐसे में कांग्रेस को ठाकुर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार सकती है। उनमें गुड्डू राजा बुंदेला के अलावा भूपेंद्र सिंह मोहासा, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, उनके भतीजे इंदर सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टी खुरई से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबी को भी टिकट दे सकती है, क्योंकि खुरई में उनका जलजला है। साथ ही बीना विधानसभा में उनके कई समर्थक हैं। सरोज कुरबाई और शमशाबाद में भी अरुणोदय चौबी की अच्छी बैठ है। अब अगर जाति फार्मूला के आधार पर कांग्रेस टिकट देती है तो ठाकुर और यादव कैंडिडेट पर पार्टी अपना दाव खेली, क्योंकि ठाकुर वोट के बाद यादव वोट यहाँ अच्छा खासा दखल रखता है। आने वाले 2-3 दिन में पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी, क्रेन, हाइड्रा, पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट। तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए।